नमस्कार दोस्तों, हकीन क्रो सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग एप्रोचेज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक सी प्रोग्राम डिज़ाइन करें स्वैपिंग टू नंबर्स का। जैसे कि हमने माना ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है, तो ए की वैल्यू 7 हो जाए और बी की वैल्यू 5 हो जाए, ये स्वैपिंग कहलाता है। इसके दो मेथड हैं, एक तो विद हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल और एक विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हुए स्वैप कर सकते हैं। बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा कि अपने को क्या करना है। अपने को पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, अपने को पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, और हम किस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम बनाने के लिए अपने को सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी, और हेडर फाइल इंक्लूड कराने के बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के हम अंदर प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पर तीन वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और एक टेम्प यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। अब हमको यूज़र से वैल्यू चाहिए, तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले हम यूज़र को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और जो भी यूज़र हमारी पहली वैल्यू एंटर करेगा हम उन्हें स्कैन करा लेंगे ए में, जो भी ए हमारी पहली वैल्यू को डिनोट कर रहा है जो ए वेरिएबल है, और इसी तरह से एंटर द सेकंड वैल्यू और उसको हम स्टोर करा लेंगे बी में। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैंने लिखा टेम्प इक्वल टू ए और ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू टेम्प। अब समझते हैं है क्या, ये है कि जो हमारी पहली वैल्यू है ए, उसको हम किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर ले, तो जो ए की वैल्यू है टेम्प की वैल्यू है वो हो जाएगी सेम। उसके बाद बी की वैल्यू को हम ए में स्टोर कर लेंगे, तो ए की वैल्यू तो चेंज हो चुकी है जो कि बी की वैल्यू है, और जो टेम्प है टेम्प में हमारी ए वाली वैल्यू है, तो उस ए वाली वैल्यू को जो कि टेम्प में है हम उसको पहुंचा देंगे बी के अंदर। तो इस तरह से हमारी दोनों वैल्यू इन तीन स्टेटमेंट्स को लिखने से चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। और जब चेंज हो ही गई हैं तो हम इसको प्रिंट करा देंगे कि आफ्टर स्वैपिंग जो फर्स्ट वैल्यू है वो ये है और सेकंड वैल्यू ये है, और ए और बी को हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। देखिए अब इसको कंपाइल और रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने प्रोग्राम बनाया है, क्या जो हमने लॉजिक लगाया है, ये ठीक है या नहीं है। तो कंपाइल करते हैं सबसे पहले, ये देखिए कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, जीरो एरर। अब जीरो एरर है तो हम इसको रन कर लेते हैं। रन कराए, देखिए वो बोल रहा है एंटर द फर्स्ट वैल्यू, तो मैंने पहली वैल्यू दी माना 8, और एंटर द सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू मैंने दे दी 9, तो फिर एंटर दबाया तो लिखा आ रहा है आफ्टर स्वैपिंग द फर्स्ट वैल्यू इज 9 एंड सेकंड वैल्यू इज 8, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो चुकी हैं, स्वैप हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्वैपिंग का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, जो कि हमारा यहाँ पर टेम्प था। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमने यूज़ किया इस प्रोग्राम में, और किस तरह से यूज़र से वैल्यू ली स्कैन करा के, स्कैन एफ करके हमने यूज़र से वैल्यू ली है और उसके बाद फंक्शन या फार्मूला यूज़ कराए, और फाइनली हमने जो भी हमारे फार्मूले का आउटपुट आया उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रोग्राम था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक हिट कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको इसी तरह का स्टेप प्रोवाइड कराता रहूं। और अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग और अदर प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग भी, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी आपको वीडियो चाहिए मेरे से, तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।